Hello students, welcome you all on the online platform of Udaan Institute Bathinda. आज का अपना टॉपिक है आर्टिकल्स, जो कि किसी भी कंपिटेटिव एग्जाम का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है. सो लेट्स बिगिन विद इट. जो आर्टिकल्स है इन्हों आप दो कैटेगरीज डिवाइड करते हैं. वन इज़ डेफिनेट एंड अनदर इज इनडेफिनेट. हूँ इन्हों आप समझते हैं कि डेफिनेट तो इनडेफिनेट की चीज़ है. जेडे इनडेफिनेट जिन्हें आप दो इतने दिखाई है इनडेफिनेट आर्टिकल्स है अपने को और एन. इनडेफिनेट इनडेफिनेट का मीनिंग है जेड़ा कि चीज़ डेफिनेट ना हो. डेफिनेट का की मीनिंग है जेड़ी चीज़ स्पेसिफिक हो. जेड़ी चीज़ स्पेसिफिक नहीं है उन्हूं आपा की कहांगे इनडेफिनेट. इस अपने को दो आर्टिकल्स आते हैं अ और एन जेड़ा कि अज आप स्टडी कर जा रहे हैं. डेफिनेट आर्टिकल्स आप नैक्सट क्लास करा दैट इज़ द जिदियाँ कि दो प्रोनंसीएशन है द एंड दी. इस जो क्लास है इस आप सिर्फ अ और एन ही डिस्कस करा. अ और एन इनडेफिनेट या नॉन स्पेसिफिक आर्टिकल्स क्या जाता है. हाँ जी इन्हों क्यों क्या जाता है अ और एन, क्योंकि जिमें अपने को एक रूम के कई बुक्स फॉर एग्जाम्पल फाइव बुक्स पर मैं थोड़ा क्या कि आप बुक लैनी है इन्हों फाइव के केड़ी बुक हो सकती है वो आपको नहीं पता. वो आ भी हो सकती है आ भी हो सकती है तो आ भी हो सकती है. जो तो काफ़ी सारी चीज़ें उन्होंने आप एक चीज़ क्ढनी है तो उन्नी देर आप नहीं पता जिन देर आप चकते नहीं कि यह कि चीज़ है तो उत्थे की आऊगा दैट इज़ इनडेफिनेट. उन्होंने आप नॉन स्पेसिफिक कहोंगे. जिमें अगर मैं थोड़ा चूज़ करने कह कि इस तो तुम एक बॉक्स चूज़ कर लो. इन्ने स्टूडेंट्स है दस सकते एग्जैक्टली कि स्टूडेंट कि बॉक्स चूज़ करूगा. नहीं जिनी देर आप नहीं पता कि आ भी हो सकता है आ भी हो सकता है आ भी हो सकता है एक चूज़ करना है तो इनू आप कहोंगे नॉन स्पेसिफिक. तो इतने आपको की कहना पैना चूज़ अ बॉक्स, क्योंकि यह की है नॉन स्पेसिफिक है. फस्ट रूल हो गया जिथे स्पेसिफिक ना हो उथे असी यूज़ करते हैं अ और एन. सैकेंड कितने यूज होंगे है सैकेंड यूज़ होंगे काउंटेबल चीज़ों के नाल. काउंटेबल चीज़ा कि होंगे जिन्हों गिनिया जा सके. चीज़ा गिन सकते हैं कहा जाता है भी आप जिमें इस रूम है रूम के अगर बोर्ड लगे है आ मार्कर है पेन है चीज़ है परसन है टीचर है बुक्स है ये चीज़ा गिनिया जा सकती हैं तो वह किस कैटेगरी च आनगी काउंटेबल. और एन किस चीज़ को रिप्रजेंट कर रहे वन यदा मीनिंग है वन डिटर्मिनर भी है डिटर्मिनर की कैटेगरी फरदर डिवाइड होंगे आर्टिकल्स तो वन य मतलब भी एक है एक चीज़ तो जड़िया चीज़ा गिन सकते हैं उन्होंने असी काउंटेबल कहोंगे. हूँ जिमें रूम के हवा भी है लाइट भी है पर यह चीज़ा गिनिया नहीं जा सकती इन्हों मैजर कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर आप वॉटर कही वॉटर वॉटर गिन नहीं सकते इट्स अनकाउंटेबल. बट वेयर एज वॉटर बॉटल इज काउंटेबल. जड़िया वॉटर बॉटल्स है यह काउंट हो सकती हैं पर वॉटर काउंट नहीं हो सकता. तो जिन्हें भी लिक्विड आ गए जड़िया चीज़ा असी नहीं गिन सकते उन्होंने नाल अ और एन नहीं आता. अ और एन कितने आएगा चीज़ नॉन स्पेसिफिक हो जिथे अपन पता नहीं कि काफ़ी सारिया ऑप्शन है उन्होंने कोई भी एक हो सकती है वो असी अ ते एन लगावे. सैकेंड जोड़ा रूल से वह काउंटेबल होना चाहिए. काउंटेबल का मीनिंग है कि उस चीज़ को गिणिया जा सकता. थर्ड ये आप ऑलरेडी कर चुके वन दैट इज़ चीज़ में की है सिंगुलर होना चाहिए. सिंगुलर का की मीनिंग है सिर्फ एक. अगर एक तो ज़्यादा होगी चीज़ वन प्लस वन मीनस टू भी होगी टू तो लैके इनफिनिटी तक. इनफिनिटी की है कि किन्ना भी हो सकता है लखा करोड़ा किन्ना भी हो सकता है तो वह की बन जूगा प्लूरल. जो तो प्लूरल बन गई चीज़ तो उत्थे अ ते एन दी ऑप्शन है जिहड़ी खत्म होगी. ये अजे ज देखो कि जो अपना तुसी ऑप्शनस तुहानू आ रही है जिहड़ी थोड़ी ओ एम आर शीट है उहदे विच तुहानू चार ऑप्शनस दे उपरों एक टिक करनी हुंदी है. जिवें फस्ट ऑप्शन देती आपां नूं उन्होंने अ, सैकेंड ऑप्शन देती एन, थर्ड ऑप्शन देती द, ये हजे आपां कीता नहीं, ते फोर्थ ऑप्शन होगी अपनी नन. तां जो आपां नूं इहदी क्लैरिटी होगी कि यह आऊगा कि नहीं आऊगा तो आप 50% का अपना उहदी सॉल्व कर लिया आंसर कि कितने कितने लगेगा तो कितने नहीं लगेगा. फॉर एग्जाम्पल अगर इतने आ जाता जिम्मे आप हमने गल की है वॉटर बॉटल्स की अगर अपने क्वेश्चन के इतने फिलअप है
ਇੱਥੇ 50% ਤਾਂ ਐਕਸਕਲੂਡ ਆਲਰੇਡੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬੋਟਲਸ ਦਾ ਕੀ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ ਇਹ ਮੀਨਸ ਹੈ ਪਲੂਰਲ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਦੋਂ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਆਹ ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਹੀ ਕੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਆਹ ਦੋ ਚੋਂ ਦੇਖਣਾ ਆਪਾਂ ਕਿ ਇਹ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਸੈਂਟੈਂਸ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਸ਼ੋਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ ਸੋ ਆਈ ਹੋਪ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅ ਤੇ ਐਨ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹੈ ਸਿੰਗੂਲਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੰਗੂਲਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਚੀਜ਼ ਨੋਨ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਾਊਂਟੇਬਲ ਹੋਵੇ ਗਿਣੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਵੀ ਹੋਵੇ ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਵਾਟਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨਸ ਤਾਂ ਖਤਮ ਸੀ ਨਾ ਤਾਂ ਵਾਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅ ਵਾਟਰ ਲੱਗੂਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਐਨ ਵਾਟਰ ਲੱਗੂਗਾ ਹੁਣ ਇਹ ਤਿੰਨ ਰੂਲ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਅ ਐਨ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਨੋਨ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਹੈ ਸਿੰਗੂਲਰ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਊਂਟੇਬਲ ਹੈ ਹੁਣ ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਅ ਯੂਜ਼ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਐਨ ਯੂਜ਼ ਹੋਣਾ ਹੈ ਲੈਟ ਇਟ ਕਲੀਅਰ ਜੋ ਸਟੂਡੈਂਟ ਗਲਤੀ ਕਰਦੇ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਐਨ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆਹ ਅਲਫਾਬੈਟ ਦੇਖਦੇ ਆ ਨਾ ਵਾਊਲਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਵਾਊਲਸ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਚੱਕ ਕੇ ਐਨ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਐਨ ਆ ਗਿਆ ਆਹ ਵਾਲੇ ਵਾਊਲਸ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਐਨ ਪਰ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਪ੍ਰੋਨਾਊਂਸ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਦੈਨ ਯੂ ਕਮ ਟੂ ਨੋ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਨਾਊਂਸ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀਏ ਫਿਰ ਹੋਰ ਵਰਡ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਅ ਅਤੇ ਐਨ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਜ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ 'ਚੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਚੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਚੱਲੂਗਾ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦਿਸ ਅਗਰ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਟ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਅ ਈ ਆਈ ਓ ਯੂ ਆਇਆ ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਐਨ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਐਨ ਲਾ ਦਿਓ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਪਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਟ ਕਰਨਾ ਜਦੋਂ ਐਨ ਲਾਉਣਾ ਜਿੱਥੇ ਆਹ ਸਾਊਂਡ ਆਉਣਗੇ ਅ ਐ ਈ ਓ ਸਿਰਫ ਆਹ ਪੰਜ ਸਾਊਂਡ ਆਹ ਪੰਜ ਸਾਊਂਡ ਆਉਣਗੇ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਐਨ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਲੈਟਰ ਲੱਗਿਆ ਕਿਹੜਾ ਰਿਟਨ ਅਲਫਾਬੈਟ ਲੱਗਿਆ ਇਹ ਅਲਫਾਬੈਟਸ ਹੈ ਸਾਊਂਡਸ ਕੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਊਂਡ ਆਹ ਹੈ ਵਾਊਲ ਦੇ ਸਾਊਂਡਸ ਹੈ ਵਾਊਲਸ ਕੀ ਨੇ ਸਾਊਂਡਸ ਹੈ ਅਗਰ ਆਹ ਸਾਊਂਡ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਐਨ ਆਊਗਾ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਸਾਊਂਡ ਐਨ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇੱਥੇ ਸਾਊਂਡ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਆਹ ਵਾਲਾ ਵਰਡ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਕੀ ਸਾਊਂਡ ਦੇ ਰਿਹਾ ਅੰਬਰੇਲਾ ਅ ਇਸ 'ਚ ਹੈਗਾ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕੀ ਆਊਗਾ ਇੱਥੇ ਐਨ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਬੋਲ ਕੇ ਦੇਖੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇਸ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਇੱਥੇ ਐਨ ਕੀ ਬਣ ਜੂਗਾ ਗਲਤ ਕੀ ਆ ਸਕਦਾ ਇੱਥੇ ਅ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸੇਮ ਔਰੇਂਜ ਔਰੇਂਜ ਤੋਂ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਇਹ ਕਰੈਕਟ ਹੈ ਪਰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਨਾਊਂਸ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਇਹਨੂੰ ਔਨ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵਨ ਅਗਰ ਵਾਵਾ ਹੈ ਵਾਵਾ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਗਲਤ ਹੋ ਗਈ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਰੈਟ ਇੱਥੇ ਰ ਦੀ ਸਾਊਂਡ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕੀ ਆਊਗਾ ਅ ਪਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵਰਡ ਦਿੱਤਾ ਆਰ ਓ ਆਰ ਓ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆਊਗਾ ਸਿਰਫ ਬੋਲ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜੂਗਾ ਆ ਆ ਦੀ ਸਾਊਂਡ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆਊਗਾ ਐਨ ਆਈ ਹੋਪ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ ਇਹਨੂੰ ਬੋਲ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਇੱਥੇ ਰ ਦੀ ਸਾਊਂਡ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਰਾਰੇ ਦੀ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਆਰ ਆ ਦੀ ਸਾਊਂਡ ਆਨ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਐਨ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਜਿੱਥੇ ਆਹ ਪੰਜ ਸਾਊਂਡ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀਆਂ ਆਹ ਪੰਜ ਸਾਊਂਡ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਿਰਫ ਉੱਥੇ ਹੀ ਐਨ ਲੱਗੂਗਾ ਅਸੀਂ ਲੈਟਰਸ ਨਹੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਅਗਰ ਲੈਟਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੇ ਅਲਫਾਬੈਟਸ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਆਹ ਵਾਲੀਆਂ ਮਿਸਟੇਕਸ ਆਪਣੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਰਾਜੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿੰਪਲ ਐਪਲ ਮੈਂਗੋ ਤਾਂ ਪੁੱਛਣਗੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਵਰਡ ਆਉਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਅ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਐਨ ਲੱਗੂਗਾ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਬਿਨਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਨਾਊਂਸ ਕੀਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰੋਗੇ ਹੁਣ ਇਹੀ ਵਾਲਾ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਿੰਨਾਂ ਵਰਡਸ ਕੀ ਸਿਮਿਲੈਰਿਟੀ ਹੈ ਤਿੰਨੋਂ ਵਰਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸ ਯੂਜ਼ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਵਰਡ ਹੈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਟ
दूजा शॉप, तीजा एस। शुरू कादे नाल हो रहे हैं, तीनों ही एस अल्फाबैट दे नाल शुरू हो रहे हैं, पर तीनों की ही प्रोनंसिएशन की है डिफरेंट है, तो आप अकॉर्डिंगली ए यूज करा स ओदे विच है नहीं, पंज दे विच तां की लग गया अ, च ए है नहीं तो इतने भी की लग गया अ, एस एस ए साढ़े को हैगा तो इतने की लगेगा एन एस डी ओ, इतने की लग जाएगा एन एस डी ओ। आई होप कि जोड़ा ये डिफरेंस है कि अ लगना है कि एन लगना है, ये थोड़ा क्लीयर हो गया होएगा। सो आई एम राइटिंग हेयर फ्यू वर्ड्स ताकि तुसी उन्हें सॉल्व कर सको, देख सको कि ये की लगेगा, एंड वन बाय वन आई विल एक्सप्लेन। ये तुसी नाल नाल सॉल्व करोगे, देन लेट मी नो द आंसर्स कमेंट बॉक्स। देन हाँ जी, इन्हों अटैम्प्ट करो क्विकली, थोड़ा सोचो कि की लग सकता है ये। राइटिंग फ्यू मोर Try to do it. सिर्फ तुसी की करना है साउंड देखने हैं कि अगर तो आ साउंड आ रहे अपने को वाले आ रहे हैं तो एन लगेगा, अदरवाइज एन नहीं लगना। तो थोड़े को दो ही ऑप्शन है अ या एन, इन्हों दोनों चो ही आप लगाना है कि ये अ लगेगा कि एन लगेगा। हाँ जी, तो हम आप सॉल्व करते हैं, देखो इनू अगर बोल के देखते हैं गोल्ड गगा, ठीक है, वो है नहीं पर एक ही है गोल्ड की है, अनकाउंटेबल है। अगर आप इतने कह दिए कि किन्ना सोना सोना पे है, ठीक है, यह सोना है या एक सोना है, खुद ही बोल के देख लो, पंजाबी भी आपको क्लीयर हो जूगा यह एक सोना है या यह सोना है, ठीक है। जी अनकाउंटेबल चीज़ा है उत्थे कोई भी ऑप्शन नहीं आऊगी, कोई भी मैटल है, यह लकड़ है, यह लोह है, यह एक लोह है, ये आप नहीं कहते। पर अगर आप कहना हो एक लोहे की रॉड है, रॉड करके एन लगेगा, ठीक है, आयरन रॉड। पर अगर कल्ला आयरन होगा तो इतने कुछ भी नहीं आना सी, अगर आयरन रॉड हो गया क्योंकि नाउन आ गया, जो आर्टिकल्स है किनू प्रोसीड करते हैं, ये करते हैं नाउन नू, ये करके आप इतने एन लावांगे अगर रॉड आ गया तो, अदरवाइज कल्ला आयरन है तो इतने कोई भी आर्टिकल नहीं आऊगा। हुण उत्थे एप्पल ऐ साडे कोल है तो इहनू लगावांगे एन। हुण इहनू बोल के देखो यूनिकॉर्न, यूनिकॉर्न चाहे यू लिखे अपने को पर स्टिल ये साउंड की कड़ रहा है या ये भी, इतने एन नहीं आऊगा, इतने की आऊगा अ। अगर एन लिखांगे तो की हो जूगा गलत हो जूगा। हुण इतने देखो बॉक्सिस, बॉक्सिस के बीच अ ते एन दोनों ही ऑप्शन खत्म हो गया क्योंकि एक ही बन गया प्लूरल। जो प्लूरल कोई भी चीज़ दिती है कोई भी ऑप्शन प्लूरल चलेगी, फॉर एग्जाम्पल अगर एप्पल, एप्पल वर्ड से आप एन लगाया हमने, अगर एप्पल्स नू भी आप प्लूरल कर देंगे एस लग जूगा, उत्थे भी अ ते एन दी ऑप्शन है जी खत्म है। दैट मीनस जिहड़ियां अपने कोल चार ऑप्शन सीगियां हाफ तो आप सॉल्व कर लिया कि एन तो अ ते एन तो आ ही नहीं सकते। नैक्सट देखो राजे एन सी सी कडेट, एन सी सी कडेट के जोड़ा एन है ये किस तरीके बोलिया जाता है, इस तरीके एन सी सी ए हो गया ए तो इतने की आऊगा एन। मैंगो ये शुरू हो रहा है तो इतने की आओगे अ मैंगो, एफ आई आर एफ, ये करके की लग जाएगा एन एफ आई आर। एक्सरे सेम एक्स
एक्स करके की लगूगा एन एस डी ओ एस एन हूँ इतने देखो इन की बोलते हैं आप आओ आ ते ए साउंड दा दोनों दा बहुत फर्क है ए एफ है ए की है फ फ्लावर तो इतने की आएगा अ फ्लावर एम एल ए हूँ आ मैंगो नू बोल के देखो तो एम एल ए नू बोल के देखो ए कहदे नाल शुरू हो रहा सी कल्ले म नाल ए कहदे नाल शुरू हो रहा है एम नाल एम एल ए तो दैट मीनस अगर ए आ गया तो इतने आऊगा एन तो इसे सिर्फ आप अल्फाबैट नहीं देखना कि एम नाल शुरू होया दोनों ही वर्ड्स दोनों ही एम नाल शुरू होया बट यूज करन दा जिहड़ा वे है वो डिफरेंट है इतने अ आऊगा तो इतने की आएगा एन आएगा नेक्स्ट आ गया ऑनेस्ट क्योंकि एच जिहड़ा है ओ तो पहला आ जाए तो यह साइलेंट हो जाता इनू ऑनेस्ट नहीं बोलेंगे इनू बोलेंगे ऑनेस्ट हूँ देखो मैं इस आई एम राइटिंग सम सेंटेंसिस तुसी आपे ही बोल के देखियो कि केड़ा सही लग रहा है ही इज ऑनेस्ट ही इज एन ऑनेस्ट हाँ जी केड़ा सही है दोनों चो ऑनेस्ट बोल रहे हैं आप इस हिसाब नाल कि ऑनेस्ट बोलना है एच साइलेंट है टोटली गलत है फिर ये सही होना चाहिए नहीं ये भी सही नहीं है क्यों अगर ये हुंदा ही इज एन ऑनेस्ट पर्सन बॉय गर्ल कुछ अगर ही है तो बॉय ही लगेगा ठीक है स्टूडेंट वट एवर कोई भी अगर इतने नाउन दे देंगे फिर इतने एन आना सी अदरवाइज इतने एन नहीं आऊगा अगर कल्ला ही कीता है ऑनेस्ट क्योंकि ऑनेस्ट की है एक एडजेक्टिव है एडजेक्टिव की होंगे है एडजेक्टिव होंगे क्वालिटी जो किसी की क्वालिटी दस दें वह एक ईमानदार परसन है तो इतने जो परसन की क्वालिटी दसी है कल्ली क्वालिटी है ही इज ऑनेस्ट तो इतने जो ही इज ऑनेस्ट है ये कल्ला ही सही है ही इज ऑनेस्ट ये सेंटेंस सही बनूगा ठीक है या बनूगा ही इज एन ऑनेस्ट परसन अगर आप आर्टिकल लगाना भी है तो सानू कोई नाउन चाहिए कल्ले एडजेक्टिव के नाल कदे भी आर्टिकल नहीं आएगा जिहड़ा ऑनेस्ट है इत्थे तो ऑप्शन ही खत्म होगी कि कोई भी चीज़ नहीं आऊगी और हुण इहदे विच परसन दिता होया ही इज एन ऑनेस्ट परसन क्योंकि एच साइलेंट हो गया शुरू हो रहा ओ तो ऑप्शन आ जाएगी साड़ी एन तो जिहड़ियां अपनियां चार ऑप्शन दित्तियां सीगियां अ एन द ते नन दैट मीनस आपां इहनूं डाक करांगे इहनूं मार्क करांगे अपने एग्जाम दे विच आई होप स्टूडेंट्स अ ते एन दा जिहड़ा लॉजिक है इह क्लीयर हो गया होएगा हुण आपां देखदे हां कि इहदी पोजीशन की हो सकती है यह हमेशा नाउन दे नाल आउंदा हुण देखो नाउन की है जिहड़ा आपां शुरू तो करदे आ रहे हैं व्यक्ति का नाम जगह का नाम नॉट दैट ठीक है नाउन की है कोई भी नाम जिस चीज़ का नाम है फॉर एग्जाम्पल आ एक डॉट लगी है इहदा भी एक नाम है कि इहनूं डॉट कहा जाता है तो डॉट भी की है एक नाउन बन गया कोई भी चीज़ है जिस चीज़ का नाम हैगा वह की बन जाती है नाउन हुण इसे देखो कितने लगे लाइन भी नाउन है तो एनीमल भी नाउन है ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਅ ਲੱਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਐਨ ਲੱਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਐਨ ਕਿਉਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਐਨੀਮਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਐਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਫਾਈਨ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਨਾਊਨ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਰਟੀਕਲਸ ਆਣਗੇ ਨੈਕਸਟ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇਖੋ ਬਿਫੋਰ ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਪਲੱਸ ਨਾਊਨ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਗਰ ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਊਨ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਸਕਦਾ ਹੀ ਇਜ਼ ਆ ਮੈਜੈਸਟਿਕ ਐਨੀਮਲ ਆਹਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆ ਗਈ ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੁਣੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦੱਸੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਜਿਹੜੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮੈਜੈਸਟਿਕ ਐਨੀਮਲ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਜੈਸਟਿਕ ਹਮੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਅ ਲਿਖਾਂਗੇ ਐਨ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਅ ਲਾਇਨ ਇਜ਼ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਲਾਇਨ ਕੀ ਹੈ ਨਾਊਨ ਹੈ ਇੱਥੇ ਵੀ ਨਾਊਨ ਆ ਗਿਆ ਪਰ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਮੈਜੈਸਟਿਕ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਊਗਾ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਆਰਟੀਕਲ ਇੱਥੇ ਆ ਸਕਦਾ ਆਰਟੀਕਲ ਪਲੱਸ ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਪਲੱਸ ਨਾਊਨ ਹੁਣ ਇਹ ਕੀ ਐਡਵਰਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਐਡਵਰਬ ਆਪਾਂ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਐਡਵਰਬ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਵੈਰੀ ਹੈ ਇਹ ਕੁਆਲਿਟੀ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨੂੰ ਇਨਹਾਂਸ ਕਰੇ ਉਹਨੂੰ ਐਡਵਰਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਜਾਂ ਵਰਬ ਦੀ ਹੀ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਮੈਜੈਸਟਿਕ ਐਨੀਮਲ ਇਹ ਐਡਵਰਬ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਨਾਊਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅ ਹੈ ਉਹ ਸਹੀ ਹੈ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਲਾਇਨਸ ਆਰ ਮੈਜੈਸਟਿਕ ਐਨੀਮਲਸ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਰਟੀਕਲ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਪਲੂਰਲ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਪਲੂਰਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ
ਅਤੇ ਐਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਾਊਲ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੰਸੋਨੈਂਟ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਰਟੀਕਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚਾਰ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਹ ਆਪਸ਼ਨ ਤਾਂ 50% ਤਾਂ ਸੋਲਵ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਨੈਕਸਟ ਸਲਾਈਡ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਹੁਣ ਅ ਤੇ ਐਨ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਨਕਾਊਂਟੇਬਲ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਐਨ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅ ਕਿਹਦੇ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅ ਤੇ ਐਨ ਯੂਜ਼ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੋਨ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਹੋਣ, ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੇਅਰਸ ਪਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਚੇਅਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਚੇਅਰ ਲਿਆਓ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਚੇਅਰ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਗਿਵ ਮੀ ਅ ਚੇਅਰ ਔਰ ਬ੍ਰਿੰਗ ਅ ਚੇਅਰ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਅ ਚੇਅਰ ਆਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨੋਨ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਆ ਰੂਲ ਸੀ, ਸੈਕਿੰਡ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਾਊਂਟੇਬਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਾਊਂਟੇਬਲ ਮੀਨਸ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਗਿਣੀ ਜਾ ਸਕੇ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗਿਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅ ਤੇ ਐਨ ਆ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਥਰਡ, ਸਿੰਗੂਲਰ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹ ਪਲੂਰਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਿੰਗੂਲਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹ ਪਲੂਰਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅ ਤੇ ਐਨ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੈ। ਐਨ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗੂਗਾ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ? ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਹ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਊਂਡ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਆਹ ਵੀ ਤਿੰਨੋਂ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਫੋਲੋ ਹੋਣ ਪਲੱਸ ਆਹ ਵੀ ਫੋਲੋ ਹੋਵੇ, ਸਿਰਫ ਐਨ ਉੱਥੇ ਆਊਗਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਐਨ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅ ਤੇ ਐਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵਰਡਸ ਲਿਖੇ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਅਨਕਾਊਂਟੇਬਲ ਕੰਸੀਡਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਜਿਹੜਾ ਵਰਡ ਬਣਿਆ ਨਿਊਜ਼, ਇਹ ਵਰਡ ਬਣਿਆ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ? ਐਨ ਫੋਰ ਨੌਰਥ, ਈ ਫੋਰ ਈਸਟ, ਡਬਲਯੂ ਫੋਰ ਵੈਸਟ, ਐਸ ਫੋਰ ਸਾਊਥ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚਾਰੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਨਿਊਜ਼। ਐਕੋਮੋਡੇਸ਼ਨ, ਐਕੋਮੋਡੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਪਰਮਿਸ਼ਨ, ਆਗਿਆ। ਬੈਗੇਜ, ਬੈਗੇਜ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਟਰੈਵਲ ਕਰਕੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਟਰੈਵਲਰ ਹੈ, ਯਾਤਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਮਾਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ? ਬੈਗੇਜ। ਬੈਗੇਜ ਅਤੇ ਲਗੇਜ ਆਲਮੋਸਟ ਇੱਕ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ? ਸਮਾਨ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੈਗ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਸਮਾਨ ਹੈ ਉਹਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ 20 ਬੈਗ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਸਮਾਨ ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ 'ਚ ਆਉਣਗੇ। ਮੀਨਸ ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਪਲੂਰਲ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਇਹ, ਬੈਗੇਜ ਵੀ ਲੱਗੇ ਸੀ। ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵੀ ਇਹ ਪਲੂਰਲ 'ਚ ਆਉਂਦਾ। ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਸਿੰਗੂਲਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਹਿਣੀ ਹੈ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਪਊਗਾ? ਅ ਪੀਸ ਆਫ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਫਿਰ ਇਹ ਸਿੰਗੂਲਰ ਬਣੂਗਾ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਅ ਤੇ ਆਉਣ ਦੀ ਲਾਈਕ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਅ ਫਿਰ ਆਊਗਾ ਅਗਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੋਊਗੀ, ਪੀਸ ਆਫ ਦਿੱਤਾ ਹੋਊਗਾ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇੱਥੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਇਕੱਲੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਤਾਂ ਅ ਤੇ ਐਨ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ। ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ, ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਕੀ ਹੈ? ਉੱਨਤੀ। ਆਈ ਐਮ ਡੂਇੰਗ ਅ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਔਰ ਆਈ ਐਮ ਡੂਇੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ, ਅ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਇੱਥੇ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਉੱਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਉੱਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਦੈਟਸ ਫਾਈਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਈ ਐਮ ਡੂਇੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ, ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅ ਤੇ ਐਨ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਵਰਕ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵਰਕ ਹੈ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਰਟੀਕਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲੈਟਰਸ ਲਿਖੀਆਂ ਨਾ, ਐਨ, ਉਸ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ? ਐਨ ਅਰਜੈਂਟ ਪੀਸ ਆਫ ਵਰਕ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਹਿਣਾ ਅਸੀਂ ਕਿ ਇੱਕ ਕੰਮ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਬਣ ਜੂਗਾ? ਉਹ ਐਨ ਫਿਰ ਲੱਗੂਗਾ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੀਸ ਆਫ ਦਿੱਤਾ। ਅਗਰ ਪੀਸ ਆਫ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਆਪਾਂ, ਤਾਂ ਓਨੀ ਦੇਰ ਆਪਾਂ ਵਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਸਿਨਰੀ, ਸਿਨਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਆਰਟੀਕਲ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਅ ਐਨ 'ਚੋਂ। ਬ੍ਰੈਡ, ਬ੍ਰੈਡ ਦੇਖੋ ਰਾਜੇ, ਬ੍ਰੈਡ ਮੀਨਸ ਜਿਹੜੀ ਬੇਕ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬੇਕ, ਬ੍ਰੈਡ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਇਹਦੇ ਸਲਾਈਸਿਸ ਨਹੀਂ ਗਿਣਦੇ ਆਪਾਂ, ਇਹਦੇ ਸਲਾਈਸਿਸ ਗਿਣੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅ ਸਲਾਈਸ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਕੱਲੀ ਬ੍ਰੈਡ ਨੂੰ ਅ ਬ੍ਰੈਡ ਨਹੀਂ ਕਵਾਂਗੇ। ਸੇਮ ਵਿਦ ਦਾ ਲਿਕੁਇਡ, ਕੋਈ ਵੀ ਲਿਕੁਇਡ ਹੈ, ਨੋਟ ਓਨਲੀ ਮਿਲਕ, ਕੋਈ ਵੀ ਲਿਕੁਇਡ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਲੱਗੇਗਾ? ਅ ਤੇ ਐਨ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੈ। ਦ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਸਪੈਸੀਫਾਈ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਲੇਟਰ ਔਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਿਆ ਟ੍ਰੈਫਿਕ। ਹੁਣ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਹੀਕਲ ਵੀ, ਇੱਕ ਦੋ ਵਹੀਕਲਸ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਹੀਕਲਸ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਵਹੀਕਲਸ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਸ 'ਚ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ? ਟ੍ਰੈਫਿਕ। ਵੈਦਰ, ਅਨਕਾਊਂਟੇਬਲ ਮਿਊਜ਼ਿਕ, ਜਿਵੇਂ ਸੌਂਗਸ ਵਗੈਰਾ ਕਾਊਂਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਪਰ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਕਾਊਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਨੌਲੇਜ, ਗਿਆਨ, ਗਿਆਨ ਕਾਊਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਐਵੀਡੈਂਸ, ਐਵੀਡੈਂਸ ਨੂੰ ਮੋਸਟਲੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਗਲਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ ਸਬੂਤ, ਸਬੂਤ, ਤਾਂ
एविडेंस के नाल भी आ पीस ऑफ एविडेंस करना पड़ेगा तो यह अ लगेगा, अदरवाइज ये भी आप एविडेंस के नाल अ नहीं लगा सकते। हुण ये सारे वर्ड्स काफ़ी हो गए तो लर्न करने भी औखे है, आप इन स्टोरी बना के करते हैं ताकि थोड़ा ईजीली याद हो जाए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लैस बिगेन विद द स्टोरी। जिम्मे थानू न्यूज़ मिली कि उड़ान एक बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है, दैट न्यूज़ यू गॉट, न्यूज़ मिली जोड़े बच्चे बहरों आते हैं वो आके आपका पी जी वगैरह भी लभद है, फिर तुम आके की लभ्या आपकी एकोमोडेशन की लभ रहे हो, एकोमोडेशन घरद्या तो की दी परमिशन, परमिशन लैके की लैके आ गए आपका बैगेज से लगेज, क्योंकि रहना है तो बैगेज से लगेज लिया पेगा, बैगेज से लगेज लैके आ गए, फिर आके जिथे रहना आप बारे इनफोरमेशन भी इकट्ठी करा कि इतने सानू केड़ी केड़ी फैसिलिटी मिलती है। फर्स्ट तो तुम देखोगे कि अगर तुम इतने आने कि थोड़ी प्रोग्रेस होंगी है, प्रोग्रेस देखोगे फिर कि अच्छा काम चल रहा है, सीनरी सीनरी इतने इनवायरमेंट ना लगा लो क्योंकि आप याद करने लिए एक स्टोरी बनाई है कि जो इनवायरमेंट है आला दुआला सही है, सानू खाना पीना चंगा मिल रहा है, ब्रैड मिल्क टैकनी सानू खाने लिए पीने लिए अच्छा समान मिल रहा है, ट्रैफिक की कोई प्रॉब्लम नहीं, वैदर चंगा है, म्यूजिक म्यूजिक अवेलेबल है कि तुम इतने जो चाहो सुन सकते हो आपके घर एकोमोडेशन के, नॉलेज थोड़ी प्रोग्रेस चल रही है, नॉलेज मिल रही है और इतने रह के एविडेंस ले सकते हो। हूँ अगर स्टोरी वगू तुम याद करोगे तो इन्ने सारे वर्ड्स तुम एक सीकुएंस के याद करने थोड़ा बहुत ईजी हो जाएंगे, अदरवाइज आई थिंक इट्स क्वाइट टफ। अपन दोबारा रिवाइज करते हैं, उड़ान बारे थोड़ी न्यूज़ मिली तो तुम इतने आके आपकी एकोमोडेशन लभी, एकोमोडेशन घरद्या की परमिशन लैके लभी तो की लैके आ गया आपका बैगेज से लगेज, फिर ये बारे इनफोरमेसन कट्ठी की, इनफोरमेसन तुम देखा कि मेरी इतने प्रोग्रेस भी हो रही है, वर्क भी चंगा है, सीनरी दैट मीनस आला दुआला भी चंगा है, ब्रैड एंड मिल्क जी सू खाण पीन भी चीज़ा चंगी मिल रही हैं, तो ट्रैफिक की भी कोई प्रॉब्लम नहीं हैगी, वैदर भी चंगा है और म्यूजिक या कोई भी चीज़ जी अनकाउंटेबल चीज़ा सारिया आप लिखा, नॉलेज भी मिल रही है तो इतने रह के आप उस चीज़ का एविडेंस मिल गया। इस तरीके अगर दो तीन बार तुम इन करोगे रिवाइज, आई होप ईजली रिवाइज हो जाना चाहिए। नैक्सट केड़े केड़े नाल नहीं लगता, मंथ कोई भी मंथ है, हूँ जिमें मार्च चल रहा है, अप्रैल आऊगा तो आप मार्च या एन अप्रैल नहीं कहोंगे, दीज आर रोंग, किसी भी मंथ के नाल यह दोनों आर्टिकल नहीं आएंगे। नैक्सट है डेज, आज जिमें वेंसडे है, वेंसडे वाले दिन वेंसडे के नाल भी अ वेंसडे नहीं लगेगा, किसी भी डे के नाल आर्टिकल नहीं आते, सबजैक्ट कोई भी सबजैक्ट है तो वो आर्टिकल नहीं आऊगा। फॉर एग्जाम्पल आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं, ठीक है, इंग्लिश की अगर आप स्पैलिंग देखिए, क्योंकि अ ते एन की रिप्रजेंट कर रहे हैं, एक नू आप एक इंग्लिश पढ़ रहे हैं नहीं तो इतने कोई भी आर्टिकल नहीं आऊगा, पर इंग्लिश अगर एज ए परसन दसिया जिमें इंडिया रहन वाले इंडियन कहा जाता है, तो जो इंग्लैंड लोग रेंगे उन्होंने इंग्लिश कहा जाता है, अगर उस तरीके क्या ही इज़ एन इंग्लिश उमें ठीक है, अगर सबजैक्ट या लैंग्वेज वगू यूज़ हो रहा है तो आर्टिकल नहीं आऊगा। फॉर एग्जाम्पल जिमें आप कही कि आई एम स्पीकिंग एन अ पंजाबी, कि मैं एक पंजाबी बोल रहा, दिस इज़ रोंग, एक पंजाबी नहीं होंगे, आई एम स्पीकिंग पंजाबी। फिर आ गया कोई भी रोड है, अजीत रोड, एन अजीत रोड इज़ रोंग, अजीटी रोड इज़ रोंग, किसी भी रोड के नाम के नाल आर्टिकल नहीं आएगा, मील्स ब्रेकफस्ट डिनर इन्हों नहीं आएगा, लैंग्वेजेस आप ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, कोई भी थोड़ी हॉबी है हॉबी के नाल आर्टिकल्स नहीं आते। नैक्सट है राजे स्पोर्ट्स एंड गेम्स, अगर स्पोर्ट तो गेम फुटबॉल है, ही इज़ प्लेइंग अ फुटबॉल, ये सही है कि ही इज़ प्लेइंग फुटबॉल, आई होप क्लीयर हो गया होगा कि जो सैकेंड वाला है ये सही है, ही इज़ प्लेइंग फुटबॉल, किसी भी स्पोर्ट दे या गेम दे नेम दे नाल अ या एन नहीं आते। नैक्सट है नाउन कंपीटेंस, नाउन कंपीटेंस आप अगे भी पढ़ा तो इतने सिर्फ तुम इन्ना याद कर लो ताकि कन्फ्यूजन ना हो, चार वर्ड है इलैक्ट सिलैक्ट मेक अपॉइंट, हूँ इन्हों याद किमें करा, इमेजिन करो थोड़ा एग्जाम होया कहदे लई होया, सिलैक्ट करन लई, फिर तुम की हो गए सिलैक्ट, थोनू जिहड़ी भी थोड़ी डिजायर्ड डेजिग्नेशन है वह बनाता तो थोनू किसी पर्टिकुलर जगह पर अपॉइंट करता, एवं याद कर सकते हो इलैक्ट सिलैक्ट मेक एंड अपॉइंट, बाय दीज थिंग्स इट विल बी ईजियर फॉर यू टू लर्न एंड रिमैंबर द थिंग्स। हाँ जी, नैक्सट देखते हैं आप, हूँ इनू आप सॉल्व करते हैं
कि कितने आर्टिकल्स यूज होंगे केड़े केड़े सिर्फ दो ही किते आपां अ ते एन और कितने ओमिट होंगे मीनस उथे कोई भी नहीं होना। ये एक्सरसाइज थोड़ी एज अ होमवर्क है ठीक है जिमें एक दो आप कर लें बाकी होमवर्क रहेगा। दिस इज अ गोल्ड और दिस इज एन गोल्ड और दिस इज नन केड़ी ऑप्शन आएगी एक्जैक्टली दिस इज गोल्ड इतने कोई भी ऑप्शन नहीं आएगी। दिस इज अ चेन दिस इज अ गोल्ड चेन ही इज ब्यूटीफुल इतने कोई ऑप्शन नहीं शी इज अ ब्यूटीफुल परसन अगेन इतने कोई ऑप्शन नहीं है इतने। हाँ जी नेक्स्ट स्लाइड रहनी है ये थोनू लाइक थोड़ा जो अगर नहीं समझ आया कल डिस्कस कर लेंगे अदरवाइज इट विल बी योर होमवर्क। हाँ जी दिस इज ऑल फॉर टुडे मीट टुमारो ओके थैंक यू स्टूडेंट्स।